मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं जयंत सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा कि हम आपको लगातार खबरों में दिखाते हैं चांदीवली विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से पानी की कटौती की गई है और लोगों को काफी परेशानी हो रही है, इसी को लेकर आज जय अंबिका नगर वाले लोगों ने मोर्चा निकाला है। एंड वार्ड विभाग के बाहर आप देख सकते हैं भारी पैमाने पर लोग आए गए हैं, पानी की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मतलब मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं और जाते हैं। मैम कब से आपके पानी अपन आ रहा है? दो साल से पानी का प्रॉब्लम था, पिछले साल भी हम लोग यहाँ आए थे, फिर थोड़ा दिन आया, फिर थोड़े दिन बाद फिर वही जिला कुछ जल। हम लोग का घर डेंगर पे है, छोटा छोटा बच्चे 15 लीटर 10 लीटर लेकर पुग्गे से पानी ऊपर लगे, कोई बाहर फिसल के गिरता है, कोई कैसे भी रहता। जब बारिश के महीने में हाल हम लोग का है तो गर्मी के महीने में हम लोग का क्या हाल हुआ होगा। कितने सालों से आपको इसकी तकलीफ हो रही है? दो साल हो गया। फिर भी हम पिछले बार हम लोग आए तो फिर थोड़ा दिन पानी आया, फिर थोड़ा दिन फिर आया। अच्छा, आपकी स्थानीय विधायक दिलीप मोहम्मद अंडे उनके घर भी गए थे, बोले 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 करता हूँ, अभी तक हम लोग कुछ हुआ नहीं। अच्छा, कितनी प्रॉब्लम कितनी आती है? बस आधा घंटा पानी में 10 नंबर 15 नंबर पानी है, एक नंबर से दो मिनट 3 मिनट पानी मिल रहा है, 2 फुंका 3 फुंका पानी। ऐसे देखा जाता है मुंशी पूरे चांदीवली विधानसभा क्षेत्र में हर जगह पे इसी तरह के प्रॉब्लम है। हम हर जगह के हम लोग का डेंगू से है भाई, हम लोग का पूरा डेंगू है, इधर पानी हम निकाल इधर। जय अंबिका नगर, आप भी वही रहते हो? सब उधर ही हाँ, सब उधर ही रहते हैं हम लोग। कोई नेता तो नहीं आते आपके इधर? आता है, आश्वासन देता है और जाता है, कल आएगा पानी परसों आएगा ऐसा बोलता है ना, चला जाता है। तभी आप ये आंदोलन कब तक करोगे, क्या लगते हैं? एक बार किया, बोला 2 दिन में पानी छोड़ेगा, अभी नहीं, अभी इतना साल होगा, 2 साल होगा पानी नहीं छोड़ा, अभी आंदोलन किया। तो ये कब तक आपका आंदोलन जारी रहेगा? जब तक हमारा पानी नहीं नुकसान होता है तब तक। इसके पहले भी आए थे 3 साल से हमारे कुरला चांदौली विधानसभा में 164 वार्ड जय अंबिका नगर, यहाँ पर पानी नहीं है, 10,000 लोग वहाँ पे रहते हैं, ये जितने भी महिला है किसी पार्टी में नहीं है, ये खुद से ही काम करते, काम पर जाने वाली महिला है, कष्टकारी महिला है, लेकिन 3 साल से और पानी की गंदी राजनीति वहाँ पर हुई है। वोट बैंक कमाने के लिए या किसी का वोट बैंक कम करने के लिए ये गंदी राजनीति जय अंबिका नगर में हो रही है। हम 3 साल से यहाँ पर आ रहे, निवेदन दे रहे, डीएमसी जो बीटी है वहाँ पर जा रहे, अधिकारी को मिला, हर तरफ हम लोग ने आंदोलन किया, यहाँ पर भी आंदोलन हुआ है, फिर भी हमें पानी क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है, गंदी राजनीति का। तो एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री है, उनका काम अच्छा है, अगर किसी का प्रॉब्लम है तो दिखाई दे रहा है तो वो सॉल्व करते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे जी को जो उनका खुद का एमएलए यहाँ पर है दिलीप लांडे जी, वहाँ का प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता, हम लोग नहीं दिखाई देते, ये इंसान नहीं दिखाई देते, महिला दिखाई नहीं देते। एकनाथ शिंदे जी, आपको हम शाम टीम के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप हमारा पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप पूरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो तो जय अंबिका नगर की भी मुख्यमंत्री हो, आपके एमएलए को बोलो गंदी राजनीति ना करें, पानी का प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट ना करें, आपको वोट चाहिए तो हम देंगे लेकिन हमारा पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करो, अगर यहाँ कल पानी नहीं मिला हमको तो हम मंत्रालय पे आएंगे, वहाँ पर धड़क मोर्चा निकालेंगे, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये जनता का आंदोलन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने सुना यहाँ के लोगों की यही मांग है कि इन्हें पानी दो, जब तक पानी नहीं मिलता है तब तक ये यहाँ से हिलने वाले नहीं है।